तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्रिएशन बाबा जी यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारा आज का वीडियो है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हम आज बात करेंगे मनुष्य के दिमाग के कुछ बेहतरीन कारनामों और अनसुने फैक्ट्स के बारे में। तो स्टे ट्यून। जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका दिमाग 10 से 23 वाट की बिजली यानी ऊर्जा छोड़ता है, जो एक बिजली के बल्ब को भी चला सकता है। मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई नस नहीं होती है, इसलिए वह कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता है। हमारा दिमाग 75% से ज़्यादा पानी से बना होता है। आपका दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% बढ़ता है और 18 तक पहुँचते पहुँचते 100% विकसित हो जाता है और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है और इससे हमारी यादों पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। आप अपने दिमाग में न्यूरॉन्स की गिनती दिमागी क्रिया करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शरीर के जिस भी भाग को हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वह और भी विकसित हो जाता है। पढ़ने और बोलने से बच्चों का दिमाग विकसित ज़्यादा होता है। जब आप एक आदमी का चेहरा गौर से देखते हैं तो आप अपने दिमाग का दाया भाग उपयोग करते हैं। हमारे शरीर के भिन्न हिस्सों से सूचना भिन्न रफ्तार से और भिन्न न्यूरॉन्स के द्वारा दिमाग तक पहुंचती हैं। सारे न्यूरॉन्स एक जैसे नहीं होते। कई न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो सूचना को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो सूचना को 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुँचाते हैं। आपके दिमाग के राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को, जबकि दिमाग की लेफ्ट साइड आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है। जो बच्चे 5 साल का होने से पहले 2 भाषाएं सीखते हैं उनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। आपके दिमाग में हर दिन औसत 60,000 विचार आते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि दिन में 20,000 बार पलक झपकते हैं और इसके कारण हम दिन में 30 मिनट तक अंधे रहते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। असल में हम दिन में 20,000 बार पलक जरूर झपकाते हैं पर 30 मिनट तक अंधे नहीं रहते, क्योंकि हमारा दिमाग इतने कम समय में वस्तु का चित्र अपने आप बनाए रखता है। हमारी पलक झपकाने का समय 1 सेकंड के 16वें हिस्से से कम होता है, पर दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र सेकंड के 16वें हिस्से तक बनाए रख सकता है। हंसते समय हमारे दिमाग के लगभग 5 हिस्से एक साथ कार्य करते हैं। दिमाग का आकार और वजन दिमागी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता। एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो कि सामान्य मनुष्य के बराबर था। एक जिंदा इंसानी दिमाग बहुत नरम होता है और इसे चाकू से बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। दिमाग में 1,00,000 मील लंबी रक्त वाहिनियाँ होती हैं। दिमाग को 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन न मिलने पर भी यह रह सकता है, पर 5 से 10 मिनट तक न मिलने पर ब्रेन डैमेज पक्की है। मनुष्य के दिमाग का वजन लगभग 1500 ग्राम तक होता है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स की गिनती 100 अरब यानी जितनी आकाशगंगा में तारे हैं, और न्यूरॉन्स में 1000 से लेकर 10000 तक सिनेप्सेस होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे जटिल और रहस्यमय चीज़ मनुष्य का दिमाग है। मानव दिमाग के अंदर 1 सेकंड में 1,00,000 रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसलिए यह शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग है। मस्तिष्क में प्रत्येक वस्तु सूचना संग्रहित हो जाती है। तकनीकी रूप में मस्तिष्क के पास अनुभव, अवलोकन, पठन, स्वर्ण आदि प्रत्येक वस्तु सूचना को संग्रह करने की क्षमता होती है। जन्म के बाद से ही प्रत्येक वस्तु उसमें संग्रहित हो जाती है, कुछ भी नहीं छूटता। यह अलग बात है कि मनुष्य में अपने ही मस्तिष्क में संग्रहित किसी अनेक वस्तु सूचना तक वापस पहुँचने यानी कि उसके घटनाओं को स्मरण रख पाने की क्षमता नहीं होती। दिमाग शरीर का लगभग 2% है, परंतु यह ऑक्सीजन का 20% खपत करता है और खून भी 20% उपयोग करता है। जब मनुष्य 2 साल का होता है तब उसके दिमाग में किसी भी और समय के अलावा ब्रेन सेल्स की गिनती सबसे ज़्यादा होती है। दिमाग के बारे में सबसे पहला उल्लेख 6000 साल पहले सुमेर में मिला है। रिसर्च में पता चला है कि पुरुषों और महिलाओं की दिमाग की बनावट अलग अलग होती है। अगर हमारी चमड़ी और मैदे की तरह हमारे मस्तिष्क में सेल भी बदल जाए तो हम अपनी याददाश्त गंवा सकते हैं।
मनुष्य दिन की अपेक्षा रात को ज़्यादा बढ़ता है। यह दिमाग में एक छोटे से भाग पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कारण होता है, जो रात को सोते समय बढ़ने वाला हार्मोन छोड़ता है। वजन के लिहाज से अब तक सबसे भारी दिमाग रूसी लेखक इवान टारगिन का था। उसके दिमाग का वजन लगभग 2.5 किलो था और उसकी मृत्यु 1883 में हुई थी। दिमाग में 40% भाग रंग ग्रे है और 60% भाग का रंग सफ़ेद है। ग्रे भाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो संचार का काम करते हैं। अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य का दिमाग सभी प्राणियों से सबसे बड़ा है। हाथी के दिमाग का आकार उसके शरीर के मुताबिक सिर्फ 0.15% है, जबकि मनुष्य का 2% है। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है, इसके बाद यह सिकुड़ने लगता है। मानव का मस्तिष्क कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेजी से प्रक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन दिमाग आपके चेतन मन से 30,000 गुना शक्तिशाली होता है। मनुष्य के दिमाग की लेफ्ट साइड बोलने को कंट्रोल करती है और पक्षियों की दिमाग की लेफ्ट साइड उनके चहचहाने को कंट्रोल करती है। दिमाग शराब पीने के लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर ही एक्टिव हो जाता है और हमें नशा होने लगता है। ब्रेन यानी दिमाग और माइंड यानी मन दो अलग अलग चीज़ है। मन दिमाग के किसी भाग में होता है, इसका पता वैज्ञानिक अभी तक नहीं लगा पाए हैं। दिमाग की 10% प्रयोग करने वाली बात भी सच नहीं है, बल्कि दिमाग के सभी हिस्सों का अलग अलग काम होता है। अगर आपने पिछली रात शराब पी थी और आपको कुछ याद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल गए हैं, बल्कि ज़्यादा शराब पीने के बाद आदमी को कुछ नया याद नहीं होता है। एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं और इनमें से 70% विचार नेगेटिव यानी नकारात्मक होते हैं। हमारे दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। यह कंप्यूटर और आपके स्मार्टफोन की तरह कभी नहीं कहेगी कि मेमोरी फुल हो गई है। जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा चोट लगने पर। जिस घर में ज़्यादा लड़ाई होती है उस घर में बच्चों के दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर पड़ता है जैसा कि युद्ध का सैनिक पर। टीवी देखने की प्रक्रिया से दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसलिए बच्चों का दिमाग कम विकसित होता है। बच्चों का दिमाग कहानियाँ पढ़ने और सुनने से ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि किताबों को पढ़ने से बच्चे ज़्यादा कल्पना करते हैं। कुछ ना कुछ सीखते रहने से ही दिमाग में नई झुर्रियाँ विकसित होती हैं और यह झुर्रियाँ ही IQ का सही पैमाना है। 24 साल की उम्र से ही आपका दिमाग धीमा होने लगता है, लेकिन उम्र के अनुसार दिमाग परिपक्व हो जाता है और नई नई तकनीकों और योग्यताओं को हासिल करने लगता है। इतना ही नहीं, बल्कि किसी भी उम्र में आपका दिमाग नई नई बातों को अपनाने के लिए तैयार रहता है। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर लंबे समय तक फालतू काम करते हैं तब आपके दिमाग में ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारा ब्रेन कई तरह के फंक्शंस करता है। ब्रेन हमारे विचारों, स्मृति, हाथ और पैर की गति समेत हमारे शरीर के कई अंदरूनी अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमारे शरीर की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित और संबंधित करता है। हमें सोचने और महसूस करने लायक बनाता है, हमें चीज़ों को याद रखने लायक बनाता है, आदि आदि चीज़ों जो हमें एक जीव और एक सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य बनाती हैं। दिमाग को ऑक्सीजन की कमी, इन्फेक्शन और तंत्रिका संबंधित बीमारियों की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। दिमाग के डॉक्टर के लिए न्यूरोलॉजिस्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। एक न्यूरोलॉजिस्ट उन समस्याओं का इलाज करता है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से संबंधित होती हैं। दिमाग का ऑप्टिकल लेंस हमारे दृष्टि को नियंत्रित करता है। ऑप्टिकल लेंस हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए।